आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट। अस्सलाम वालेकुम। घर में रेयान की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। वो रोशनी की मिन्नत करता रहता है कि उसको इजाज़त दे दे ताकि वह सबको बता दे, लेकिन रोशनी में हिम्मत नहीं होती, इसलिए वो रेयान को मना करती रहती है कि उसके अंदर हिम्मत नहीं है कि वो आगे आने वाले किसी भी तूफ़ान का मुकाबला कर सके। रेयान की शादी की रस्में चल रही होती हैं कि अचानक से उमर वापस आ जाता है। रोशनी का दादा उसे देखते ही गुस्से में आ जाता है और उसके मुँह पर थप्पड़ मारता है कि उसकी वजह से उसकी पोती ने इतने ज़्यादा दुख उठाए हैं कि उसकी माँ तक चली गई। उमर से यह बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती, घर जाता है और सोचता है कि वह किस तरीके से इन लोगों से अपनी बेइज्जती का बदला ले। तो चुनाचा जब रेयान की मायों की रस्म चल रही होती है, उसी वक्त एक बच्ची आकर रोशनी से कहती है आपको बाहर कोई बुला रहा है, और यूँ रोशनी को अगवा कर लिया जाता है। रेयान की शादी वहीं पर रुक जाती है। घर में कोहराम मच जाता है और सारे रोशनी की तलाश में लग जाते हैं। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी।